हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब नहीं पता, तो गाइस एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये आरबीआई की अंडर रजिस्टर्ड कंपनी है एंड ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, 175% प्लस की रिटर्न ये कंपनी आप लोगों को दे के जा रही है। एंड हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 30% के आसपास इस कंपनी में लगा हुआ है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म पर्पस, इसके बारे में। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स, बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नगरी का कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी का नेम है एंड कंपनी जो है वो एक एनबीएफसी कंपनी है, देख सकते हो आप लोग, एंड आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, देख सकते हो। तो अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। बीएससी एंड एनएससी दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 13 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक की पीई 13.2, आरओसीई 5.34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.82%, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ -53.8% एंड लास्ट 6 मंथ्स में लगभग 50% के आसपास की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है एंड अगर 1 साल के बारे में अप्रोक्सीमेट डिस्कस करें तो 177.22% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है ये कंपनी। अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा तो आराम से 80-90% इवन 100% भी रिटर्न यहाँ से बना के जा ही सकता है विद इन अ ईयर। तो 100% रिटर्न इन अ ईयर, तो गाइज दैट्स नॉट बैड। फेस वैल्यू कंपनी की 5 रुपये की है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी एंड प्लेज भी कोई भी क्वांटिटी नहीं है, मतलब 0% प्लेज हो रखा है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी -26%, लगभग -27% के आसपास है, लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी तो लगभग -90% के आसपास है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देखो, कंपनी अभी जो है पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, मतलब ज़्यादातर प्रॉफिट ही दे रही है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, ज़्यादातर प्रॉफिट ही दे रही है, क्योंकि पहले हर एक मोस्ट ऑफ द जो क्वार्टर्स है उनमें लॉस ही देती थी, लेकिन अचानक से कंपनी अभी कभी कभार ही लॉस देने लगी है। मैक्सिमम क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट ही शो कर रही है। देखो, अगर 15 लाख की भी प्रॉफिट शो कर रही है तो वो प्रॉफिट के अंदर ही गिना जाता है, एटलीस्ट लॉस तो नहीं हो रही है ना कंपनी को। तो ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है, 15 लाख की भी हो चाहे 1 लाख की भी हो, प्रॉफिट दे रही है कंपनी। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट 2 साल से कंपनी जो है वो प्रॉफिट दे रही है। देखो, कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद बीच में 5 सालों के लिए कंपनी लॉस मेकिंग बन गई थी, उसके बाद फिर से कंपनी प्रॉफिट दे रही है। अगर कंपनी फिर से प्रॉफिट देना चालू करती है तो हो सकता है आप लोग को एक मल्टीबैगर रिटर्न भी कंपनी की साइड से मिल जाए। देखो, वो एंटायरली डिपेंड करती है कि कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट देती है। अगर कंपनी की जो प्रॉफिट का फिगर्स है अगर पहले की जैसा ऐसा हो जाए कि 4-5 करोड़ या तो फिर एटलीस्ट 1 करोड़ प्लस, तो हो सकता है आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न भी इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाए। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो एकदम ही वीक है। कंपनी की रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ के आसपास का है एंड बोरिंग्स जो है वो लगभग 90 करोड़ के आसपास का है, देख सकते हो आप लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिजर्व के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग्स है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो, तो कुछ कह नहीं सकते सियोरली। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटरली जो टोटल होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, 3 साल पहले जो था आज भी वैसा का वैसा ही है, देख सकते हो आप लोग। पब्लिक में अगर डिस्कस करें तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सभी रिटेलर की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए और पब्लिक की होल्डिंग से माइनस किया जाए तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 30.65% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज, अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली बिलो एवरेज ही बोलूंगा, वीक तो नहीं बोल सकता क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिट दे रही है, तो बिलो एवरेज कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म में भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, बीच में लॉस मेकिंग बन चुकी थी,
अभी फिर से कंपनी प्रॉफिट दे रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में कंपनी बहुत ही सही प्रॉफिट दे और आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाए। अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर कि कंपनी फ्यूचर में भी कंपनी इंप्रूव करके एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगी या तो फिर एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न देके जाएगी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज देखो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, कब कंपनी लॉस दे कब कंपनी प्रॉफिट दे, ये ऐसा नहीं है कि जब से कंपनी चालू है तब से कंपनी प्रॉफिट दे रही है। ये कंपनी की जो मूड है वो मिक्स्ड मूड है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो कुछ ऐसे मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कंपनी फ्यूचर में लॉस देगी या प्रॉफिट। तो अगर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, और अगर कंफ्यूज हो कि हो सकता है, देखो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देना चालू किया है, उतने भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही है कंपनी, तो कंपनी की जो ग्राफ है आप लोग बोल सकते हो नेगेटिव की साइड से, ये हो गया नेगेटिव की साइड, नेगेटिव की साइड से ऐसे जा रहा है। तो अगर पहले जैसे प्रॉफिट दे, मतलब प्रॉफिट का जो ग्राफ है कंपनी की ऐसा था, पहले प्रॉफिटेबल थी अभी लॉस मेकिंग बन गई थी बीच में, अभी फिर से प्रॉफिट की तरफ जा रही है, तो ऐसा कुछ गैप मतलब यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप लोग आराम से काम में लगा सकते हो, बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो यहाँ पे। अगर भरोसा है तो ही जाना, अदरवाइज बेकार में पैसा डुबा मत देना, ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ये अगर अपॉर्चुनिटी का मजा लेना है, देखो अगर कन्फ्यूज़ हो तो 100-200 लगा के छोड़ दो, यही बोल सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ। बाकी शॉर्ट टर्म में ये कंपनी काफ़ी सही है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो 6 महीने के अंदर अंदर ये कंपनी 50% के आसपास रिटर्न आप लोग को देके जा रही है, जो कि काफ़ी सही रिटर्न है 6 महीने के कंपैरिजन में, तो आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर डिस्कस करें आज के बारे में, तो गाइज आज जो है सिर्फ और सिर्फ ये क्या था, सॉरी फॉर दैट गाइज, 2272 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 25,000 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर आज के पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 1550 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है एंड 923 जो है वो सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है, देख सकते हो आप लोग किस किस प्राइस पॉइंट पे पेंडिंग है। उसके बाद अगर जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज जो है वो देखो काफ़ी कम ट्रेड हुई है, उसके साथ साथ जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते लेकिन ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी जो है आज इंट्राडे में ही यूज़ किया गया है कंपेयर टू डिलीवरी। मतलब देखो डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है स्लाइटली, लेकिन वॉल्यूम इतना कम, ऊपर से कोई भी बंदा बाई करने के लिए राजी नहीं है। अगर इतना कम वॉल्यूम में 75% प्लस अगर डिलीवरी परसेंटेज निकल के आती तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी बंदा ऐसा डिलीवरी ट्रेड लेने के लिए राजी नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब वीक मोमेंटम आप लोग बोल सकते हो। जो ट्रेंड कंटिन्यू है ये ट्रेंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि कंपनी में कोई भी ज़्यादा बायर्स नहीं है, बायर्स तो है लेकिन इंट्राडे में कर रहे हैं, कोई भी पोजीशन बनाना नहीं चाहता है जिस प्राइस पॉइंट पे अभी ट्रेड कर रही है कंपनी उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो चलिए अभी देखते हैं कि एक्चुअली आप लोगों को कैसे ये कंपनी फ़ायदा दिला सकती है, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइज NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स मेंशन किया हुआ है। तो देखो गाइज सिंपल सी बात है, कंपनी यहाँ से बाउंस बैक तो दिया है लेकिन बाउंस बैक कन्फर्म नहीं हुआ है, और आज ये कंपनी डाउन थी, देख सकते हो आप लोग जो कैंडल है वो मतलब ऊपर क्लोजिंग, ऊपर ओपनिंग होकर नीचे क्लोजिंग हुई है, ना कि नीचे ओपनिंग होकर ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ऐसा कुछ होता तो ग्रीन कैंडल, आज रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, तो आज की जो हाई है वो काफ़ी ऊपर था, देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लेफ्ट में चेक करते रहना। तो आज की जो हाई है वो 11.1 की है हाई आज की, जबकि कंपनी क्लोजिंग किया 10.9 के आसपास, तो आज सेलिंग हुई है ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रीवियस क्लोज के कंपेरिजन में आज ऊपर गई है कंपनी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज कंपनी में सेलिंग हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को मैं देखो ये जो दो रेंज है ना 10.45 एंड 11.65, इसके अंदर मैं ट्रेड लेने से मना करूँगा आप लोगों को कि इसके अंदर ट्रेड मत लो आप लोग। जब भी कंपनी ये नो ट्रेडिंग जोन आप लोग बोल सकते हो, या तो फिर कंसोलिडेशन जोन भी इसको आप लोग बोल सकते हो, जब भी कंपनी प्रॉपरली 11.65 के ऊपर क्लोज कर देगी विद कंफर्मेशन कि हाँ ये कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्लोज कर चुकी है अबव 11.65, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड आप लोगों के जो टारगेट्स रहेगी ये आप लोगों के सामने हैं, देख सकते हो। और देखो अगर यहाँ पे भी बाई करना चाहते हो आफ्टर कंफर्मेशन तो बाई करके चल सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा डोंट ट्रेड इन बिटवीन दोज टू लाइन्स 11.65 एंड 10.45, इसको नो ट्रेडिंग जोन ही रहने दो, बाकी अगर लेना है तो ले सकते हो लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही लेना। ये नहीं है कि कंपनी इसके ऊपर चली गई है, ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रही है तो मैं ले लेता हूँ सपोर्ट के आसपास, तो अगर गिरती है कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है बाई चांस तो काफ़ी भारी लॉस आप लोगों को झेलना पड़ेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी क्या करोगे आप लोग। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। देखो गाइज मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ आप लोगों के
बिहाफ पे मैं ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकता। तो कई बार साइकोलॉजी के भी गेम होते हैं, आप लोगों का जो माइंड सेट है वो क्लियर रहता है कि हाँ मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा यहाँ पे ये, लेकिन जब एंटर करना होता है तब हो सकता है अभी और 2 रुपये नीचे मिल जाए, अभी और 2 रुपये नीचे मिल जाए। मतलब साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी को मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो, स्पेशली इन स्विंग ट्रेड एंड इंट्राडे ट्रेड। बाकी आप लोगों के ऊपर है, जैसे आप लोग ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो, यहाँ पे बाई करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे बाई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस 11.65 के ऊपर क्लोजिंग के बाद बाई करना इज़ अ बेटर ऑप्शन देन दिस वन। बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।